आप देख रहे हैं अपना समाचार। तेईस दिसंबर शनिवार को 18वां भोजपुरी फिल्म अवार्ड संपन्न होने जा रहा है अथर्वा कॉलेज मलाड वेस्ट में। जैसे कि आप लोग को पता है, आप लोग के माध्यम से ही पूरे देश में, पूरे दुनिया में भोजपुरी फिल्म अवार्ड्स के माध्यम से, आपके माध्यम से लोगों तक ये चीज़ें पहुंची है। 2005 में प्रथम भोजपुरी फिल्म अवार्ड्स की स्थापना की गई थी। दिलीप साहब, सायरा बानो जी, गोविंदा जी, कुमकू जी, इनके कर कमलों द्वारा जो लैम्प जलाया गया था, आज वो जलता आ रहा है आज तक, जो 18 वर्ष पूर्ण करने जा रहा है 23 दिसंबर को। जी, कौन कौन इसका आयोजन करता है, आयोजकों में से कौन कौन लोग हैं और गेस्ट में इस बार कौन कौन है? आयोजक कमेटी एक हमारी है 5 लोगों की, जिसका चेयरमैन मैं हूँ और हमारी कमेटी है, सभी लोग मिल के काम करते हैं। और रहा गेस्ट की बात, मैं हमेशा, आपने देखा है कि हिंदी इंडस्ट्री, टेलीविज़न इंडस्ट्री के या पॉलिटिकल बड़े बड़े दिग्गज अवार्ड समारोह में हमेशा रहे हैं, बट मैं फोकस करता हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री के लोगों के ऊपर ही, जिससे मेरी इंडस्ट्री तभी बड़ी होगी। हम अदर लोगों को साथ जुड़ेंगे तो हमारी इंडस्ट्री बड़ी नहीं हो पाएगी। तो मैं फोकस करता हूँ अपनी इंडस्ट्री के लोग ही उपस्थित रहें, सारे लोग उपस्थित रहते हैं और सपोर्ट करते हैं। किन किन कैटेगरीज में कितने अवार्ड दिए जाएंगे? 26 कैटेगरी है और 3 कैटेगरी है जो पॉपुलर, जैसे पॉपुलर में फिल्म है, एक्टर है, एक्ट्रेस है, बाकी 26 कैटेगरी है फिल्म, डायरेक्टर, एक्टर, मेल एक्टर, फीमेल, नेगेटिव और सपोर्टिंग, इस तरह से कोरियोग्राफर एंड नवोदित कलाकार, सिंगिंग मेल, सिंगिंग फीमेल, इस तरह 26 कैटेगरी है। सर, 18 साल हो गए इस अवार्ड शो को, सर अप्स एंड डाउन बहुत सारे आए होंगे, अगर इस जर्नी के बारे में हमारी ऑडियंस को कुछ बताएं कि 18 साल की जर्नी कैसी रही, और बहुत बड़ी बात है 18 साल तक किसी अवार्ड शो का होना, अगर कुछ शेयर करना चाहे सर उस बारे में। नहीं, आपका सवाल बड़ा अहम है। जब हमने 2005 में इसकी शुरुआत की तो आज भी उस मंजर, उस पल को लोग याद करते हैं, जैसे कभी रंजन जी ने वही बात कर रहे थे कि वो 18 साल पहले जो 2005 में जो उत्तर भारतीय समाज के, यूपी बिहार के लोग, दिलीप साहब, सायरा बानो जी, गोविंदा जी, ये लोग ऐसा नॉर्मल व्यक्ति की तरह बैठे रहे, हजारों की तादाद में, जितनी दूर नज़र जाती थी गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में लोग नज़र ही आते थे। ये सिलसिला काफ़ी 10 साल तक चलता रहा जब हम ग्राउंड में करते थे। रहा उतार चढ़ाव की बात, इंडस्ट्री में न तो एक चैनल था, न तो कोई, बहुत सारी बातें हैं, जो उत्तर प्रदेश बिहार से बिलोंग करते थे वो लोग इस भाषा को सपोर्ट करते थे, पेपरों में छापते थे, ज़रूर कोशिश करते थे जितनी उनकी चलती थी, मैंने वो दौर देखा है। तो मीडिया के लोग बड़ा सहयोग रहा, जो नॉर्थ इंडिया के लोग थे, हमने देखा मराठी जी, मराठी, गुजराती और सब पंजाबी, सारी चैनलों ने, जी न्यूज, आज तक, ये वो सारे चैनलों ने कई वर्षों तक बड़ा सपोर्ट किया। और आज देख रहे हैं हमारी इंडस्ट्री में 8-10 चैनल हो गए और सारे लोग महत्व देने लगे, 3-3 मेंबर आप पार्लियामेंट हो गए, बहुत सारे विधायक हो गए, मिनिस्टर हो गए, तो अच्छा लगता, खुशी होती है। और हमारे इंडस्ट्री के लोग, मैं वो दौर देखा हूँ 2005 में, किस तरह से कलाकार अपनी संघर्ष करके चीज़ों को आगे बढ़ाने के प्रयास में लगे थे, आज हमारे कलाकार दूसरों की मदद कर रहे हैं, तन मन धन तीनों से, तो बड़ा खुशी होता है। और उतार चढ़ाव की बात रही, एक बार आंधी आई, इसके बाद भी हमने आप लोग के ब्लेसिंग से 1 महीने के बाद सेम डेट में किया, एक बार बरसात आई तब भी हमने 1 महीने के सेम डेट में किया, मतलब पीछे नहीं मुड़ा, हमारे पास स्पॉन्सर थे या नहीं थे, इसके बावजूद भी हमने कोशिश किया कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सम्मान को बरकरार रख सकूं, और वो आप लोग एक ब्लेसिंग से वो बरकरार आज तक है। एक बार कहीं ना कहीं पॉलिटिकल शिकार भी हुए थे उत्तर भारती, उस समय भी
बहुत बड़ी तूफान थी पूरे प्रदेश में। उस समय लोग सोच नहीं सकते थे, देश का होम मिनिस्टर श्री प्रकाश जायसवाल जी थे और कैबिनेट मंत्री सुबोध कांत सहाय जी थे। लोग कहते थे विनोद तुम करोगे कैसे, लेकिन प्रभु की कृपा थी, बहुत शानदार तरीके से अवार्ड फंक्शन हुआ और समाज में एक मैसेज गया, प्रदेश में एक मैसेज गया कि शांत का माहौल है, अच्छा माहौल है। उस माहौल में अवार्ड फंक्शन हुआ जब लोग घर से निकलना पसंद नहीं करते थे। ओके विनोद जी, तब शायद इतने ज्यादा अवार्ड शोज नहीं होते रहे होंगे या ना के बराबर होते रहे होंगे, इक्का दुक्का होते रहे होंगे, लेकिन आजकल साल भर में मैं देखता हूँ कि 200 अवार्ड शोज होते हैं, अलग अलग लोग करते हैं। ऐसे में आपको लगता नहीं है कि जो अवार्ड शोज के प्रति पॉपुलैरिटी है इनकी वो थोड़ी सी कम हो गई है? नहीं, आपका सवाल जो है मैं किसी पे प्रतिक्रिया नहीं देना चाहूँगा, बट हमने हमेशा प्रयास किया कि अपनी गरिमा, अपनी भाषा, अपनी फिल्म इंडस्ट्री की गरिमा को बरकरार रखूं। बहुत बड़े बड़े अमाउंट, बहुत बड़े बड़े लालच हमारे पास आए, सबको पता है। अब नाम नहीं ले सकते सार्वजनिक रूप से, लेकिन इंडस्ट्री के लोगों को सबको पता है, लेकिन इस अवार्ड को न खरीद सका कोई, न इसको किसी प्रकार का दबाव बना सका। रहा दूसरे लोगों की बात, तो सब अवार्ड बहुत सारे हो रहे हैं, सम्मान समारोह बहुत सारे हो रहे हैं। हमारे यहाँ एक सिस्टम है, चाहे मेरा खुद का फिल्म हो, चाहे मेरा बेटा क्यों ना हीरो हो, यदि तो अगर वो क्राइटेरिया में है, रेस में है, रेस में जीतता है तो पाएगा, नहीं है तो नहीं पाएगा। किसी लालच से, किसी दौलत से या किसी प्रकार से इस चीज़ को कोई खरीद नहीं पाया, तभी मैं आज 18 वर्ष पूर्ण कर पाया हूँ। ये मैं एक समझता हूँ कि मेरा मंच नहीं है, ये सब पूरे समाज का मंच है और गार्ड द्वारा स्थापित मंच है, ऐसा मेरा अपना मानना है। और वो हम बुरे परिस्थितियों में भी सफल होते हैं, क्यों होते हैं, कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा है। सवाल यह है कि जब ज्यादातर फिल्में यूपी में शूट हो रही हैं आज की तारीख में, ज्यादातर लोग यूपी में रह रहे हैं, गवर्नमेंट शायद उस तरह की सुविधाएं दे रही है, ऐसे में इस अवार्ड शो को उत्तर प्रदेश या बिहार में ना करके आप मुंबई में क्यों करते हैं? मुंबई में पूरे फिल्म जगत के लोग, हमारी इंडस्ट्री के लोग रहते हैं और बड़े आसानी से लोग आ जाते हैं, और इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को लेके जाना, फिर उनको संभालना, कहीं ना कहीं एक दिक्कत आती है। तो इसलिए हम मुंबई, ग्लैमर की दुनिया है और शुरू से यहाँ करते। एक साल मैंने 2013 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया था और उसके बाद सब्सिडी भी पास कराने में बड़ा श्रेय रहा है हमारा, तो 2016 में मिला। सारे लोग थे, रवि जी, सॉरी कुणाल जी, सुरेंद्र पाल जी, सभावना जी, दिनेश लाल जी, रानी चटर्जी, हाँ मनोज, सारे लोगों की मौजूदगी में हमने सब्सिडी डिक्लेयर करवाया था 30 लाख रुपये 2013 में, जो इम्प्लीमेंट हुआ 2016 में पहली बार, वो भी श्रेय कहीं ना कहीं अवार्ड को जाता है। और अच्छा है उत्तर प्रदेश सरकार सब्सिडी दे रही, सुविधाएं दे रही हैं। इस वक्त 2-3 साल से रुकी हुई, सब्सिडी मिल नहीं पाया है, लेकिन शायद ऐसा लगता है कि जल्द जल्द मिल जाएगी लोगों की सब्सिडी। कई कलाकारों का आपने नाम लिया विनोद जी, एक लीजेंड जो कि हमारे बीच अब नहीं रहे, ब्रजेश जी की बात कर रहा हूँ, ब्रजेश त्रिपाठी जी की बात कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि एक बड़ा सितारा, एक बड़ा अध्याय हमें खुला है। मैं तो सबसे पहले बात तो अपने विजय जी को वंदन करता हूं और उनको श्रद्धांजलि, भोजपुरी फिल्म अवार्ड की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि उनकी आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे, उनके परिवार को इस घड़ी में क्षमता दे, उनको दुख में, मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करूंगा और उनको नमन करता हूं। रहा सवाल ब्रिजेश जी का, जो योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, उनकी कमी हमें बहुत महसूस होगी। एक हफ्ता पहले भी हमने बात करने की कोशिश किया था लेकिन बात नहीं हो पाई थी दुर्भाग्यवश, और उनकी कमी के तो कोई पूरा नहीं कर सकेगा। और उनकी यादें, उनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं भोजपुरी फिल्म जगत में, हिंदी जगत में, सदा हम लोग याद करते रहेंगे, उनको स्मरण के रूप में हमेशा याद करेंगे। नहीं, सभी के लिए है जो हमें अप्रोच करता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो उसको हम पासेस देते हैं। हमारे यहाँ टिकट तो होता नहीं, हम टिकट सेल नहीं करते हैं, टिकट वाला सिस्टम ही नहीं है, फ्री है। तो जो भी अप्रोच किया, जो हमारे तक आया, कोशिश करता हूँ कि उन तक पास पहुँचे जरूर, और लोग आते हैं। सर, इसके अलावा जैसे आपने कहा कि बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग अब जो है पॉलिटिकल पार्टीज से जुड़ गए हैं, जैसे मनोज तिवारी जी की बात करें, रवि किशन जी की बात करें, दिनेश लाल यादव जी की बात करें, तो उसका क्या लगता है, कितना फ़ायदा मिलेगा जो भोजपुरी इंडस्ट्री है स्पेशली उनको?
नहीं, अगर हम कहते हैं कि ये तीनों सांसद अगर किसी कार्य में लग जाएंगे कि ये काम भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए करना है तो असंभव नहीं है। तीनों अपने आप में बहुत सक्षम है, रवि जी हैं, मनोज जी हैं, दिनेश जी हैं और हमेशा करते रहते हैं। हम क्या कहें रवि जी को, रवि जी ने फर्स्ट ईयर से जो कार्य किया है मेरे साथ, कहना अच्छा नहीं लगेगा। एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह रवि जी कई वर्षों तक, 10 वर्षों तक 12 वर्षों तक तो परफॉर्म किए, दिनेश जी 10 वर्षों से कंटिन्यू परफॉर्म कर रहे हैं, तो इन लोग का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह, कलाकार की तरह आते थे रवि जी वगैरह, जब टेक्निकल रिहर्सल जैसे एक अवार्ड फंक्शन होता है उसी तरह टेक्निकल रिहर्सल होता था 10 साल तक टेक्निकल रिहर्सल सेम कंडीशन में ग्राउंड में होता था। तो ये लोग रात में आते थे, पूरी तरह से सपोर्ट करते थे, बहुत बड़ा योगदान सब लोग ने दिया है। कौन इस मंच में नहीं, नगमा जी, भाग्यश्री जी, कुनिका जी, मुझे लगता है कौन इस पर मंच को परफॉर्म से सजाया नहीं है, सहयोग नहीं किया है। अनगिनत हिंदी और टेलीविजन के लोग बहुत सपोर्ट किए हैं, तब जाके इंडस्ट्री बढ़ी हुई है। सर, क्या इस साल इन तीनों में से कोई एक सपोर्ट करते हुए नजर आएगा जो नए कलाकार है इंडस्ट्री के? क्योंकि अगर इस तरह के कलाकार उनको सपोर्ट करते हैं तो उनका जो मनोबल है वो बढ़ जाता है। तो नहीं, आप कुछ कहना चाहिए? आपका सवाल बहुत अच्छा है। हमेशा नए लोगों को, यूथ के लोगों को मौका मिलना चाहिए। एक ही व्यक्ति अगर एक छत्र राज करेगा, जैसे कि अभी मोदी जी का काम बड़ा अच्छा है देख रहे हैं, हैं? मैं तो वैसे कांग्रेसी हूँ, लेकिन मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, तो लोगों को मौका मिलना चाहिए। तो जब तक नए का मौका नहीं मिलेगा तब तक वो कैसे सरवाइव करेंगे? तो बहुत अच्छी बात है, उन लोग सपोर्ट करते हैं और करना चाहिए, और भी आगे आके करना चाहिए। और मैं स्वयं कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को जो कई सालों से प्रयास में थे बहुत सारी चीज़ों के, वो चीज़ मैं कैसे उनके साथ सहयोगी बनके पूरा करूं, मैं भी खुद कोशिश कर रहा हूं उस चीज़ों को। विनोद जी, जब अभी अवार्ड शोज होते हैं उनकी निष्पक्षता को लेकर, ट्रांसपेरेंसी को लेकर अक्सर लोग सवाल खड़े करते हैं। कई लोग हैं जो कहते हैं जिन्हें नहीं मिला शायद वो थोड़े से नाराज होते हैं, कई बार पक्षपात के भी आरोप रखते हैं। इन आरोपों के जवाब में आप क्या कहते हैं कि कौन सी ऐसी ट्रांसपेरेंसी है जो आपके पास है बाकी लोगों के पास नहीं है? सर, मैंने हमेशा, मतलब ये मैं इमोशनल और एक दिल की बात बोलना चाहूँगा, मैंने अपने जीवन में ये 20 वर्षों में इतनी समस्याएं झेली है, इतनी कह नहीं सकता वो बात सार्वजनिक रूप से। अगर मेरे जैसा शख्स नहीं होता, आप लोग की ब्लेसिंग नहीं होती, तो अवार्ड वार्ड कभी का बंद हो जाता है। एक फ़ोन, ऐसे ऐसे फ़ोन आए मुझे जो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। लेकिन अनजाने में कोई कह देगा, अरे भाई साहब वो विनोद गुप्ता है, वो ऐसा ऐसा करता है, ज़रा उसको बोल दो, तो लेकिन आपको विनोद गुप्ता के बारे में पता ही नहीं है, अच्छाई या बुराई जो भी हो। तो ऐसे ऐसे भी फ़ोन हमने झेले हैं, लेकिन सामने फ़ोन आने के बाद फिर वो दोबारा फ़ोन नहीं आए, ये भी हमने दिन देखे हैं। और रहा सवाल ईमानदारी की, मैंने कहा कि न कोई 50 लाख रुपए लोग लेके खड़े रहे, हमने ना अवार्ड को बेचा, ना नॉमिनेशन को बेचा, ना भविष्य में बेचूंगा। अगर ऐसा दिन आएगा तो मैं उसको बंद कर दूंगा, लेकिन ये काम नहीं करूंगा। कौन धमका रहा था आपको? नहीं नहीं, कोई धमका नहीं रहा था, मोहब्बत में। प्रेशराइज कौन कर रहा था? मोहब्बत में प्रेशराइज होता है ना भाई, अपना बेटा भी प्रेशराइज करता है, मेरे चाचा भी कर सकते हैं प्रेशराइज, तो कोई ऐसा भी हो सकता है। अमरीश जी, क्या कुछ बोलना चाहेंगे इस वार्ड को? सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि मैं विनोद सर के अवार्ड में परफॉर्म कर रहा हूँ, और कई सालों से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, और मैं बहुत अपने आप को खुशहाल मानता हूँ कि जब ये मंच मुझे मिलता है तो मुझे वो ताकत और शक्ति मिलती है कि मैं उसका बखान नहीं कर सकता। शायद मैं उसी के लिए रिहर्सल करता हूँ कई दिनों, और फिर पूरी इंडस्ट्री के सामने परफॉर्म करता हूँ। तो मैं धन्यवाद करूँगा भोजपुरी फिल्म अवार्ड को कि इसी तरह नए जनरेशन और नए कलाकार जो आ रहे हैं इस मंच को छू पाते हैं और अपना परफॉर्म इंडस्ट्री को दिखा पाते हैं। सर ने जो टीम ने डिसाइड की है, मैं और राधा सिंह जी हैं, और कुछ मेडली सॉन्ग हैं हमारे फिल्मों के मिक्स, और संजय कुर्बे मास्टर जी हैं जो कि हमें रिहर्सल करा रहे हैं। जी सर, आप क्या बोलना चाहेंगे? अवार्ड तो मैं काफ़ी साल से अवार्ड करता हूँ विनोद सर का, और ये मंच तो छोटा मुँह बड़ी बात बोलूँगा मैं, बाकी जो मंच जो ये अवार्ड का जो है, अभी सर ने मुझे बोला मास्टर जी, अपनी जो न्यू जनरेशन है, जैसे अमरीश भाई है शायद, न्यू जनरेशन को अपन चांस देना है, और इनको कब अपन सपोर्ट करेगा। तो अभी हम लोग सब न्यू जनरेशन के जैसे जैसे भी आ रहे, जो अभी न्यू कमल लड़की, जो न्यू कमल हीरोज़ है, तो उनके साथ हम लोग तो
पहले से हम लोग दिनेश जी, पवन जी, केसारी, रवि किशन, हमारे मंच में कौन नहीं किया, सब दिग्गज हमारे आइकॉनिक लोग ने किया, फिर अभी ये बच्चे लोग कर रहे हैं। तो और ये ऐसा मंच है विनोद सर का, मुझे कोई चीज़ के लिए कोई कमी नहीं करता, मुझे फ्री जो है मास्टर जी आपको जो करना है काम, मुझे जब बहुत अवार्ड का ऑफर आ रहा था मास्टर जी मेरा अवार्ड करके दो, जैसा विनोद जी का करता है वैसा हमारा भी करके दो, तो मेरे को वो मज़ा नहीं आता, मतलब फिर वो इस समझ में आता क्या हो रहा है क्या नहीं, तो इसके लिए मैं बहुत कमी करता हूँ। मुझे पता करना है तो नंबर वन ही अवार्ड करना है तो मज़ा आता है, इंडस्ट्री को कौन नहीं जानता हमारे विनोद गुप्ता सर को, आज छोटे से लेके बड़े तक, और ये मंच में अच्छे अच्छे लोग बोलता है मुझे कराओ मुझे कराओ, काफ़ी लोग का फ़ोन वोन आता है मुझे ये करो वो करो। आपको कितनी धमकी मिली है सर? किसको मुझे? मुझे कौन धमकी दे? अरे इतना बड़ा मेरा भाई बेटा है, मुझे कौन धमकी दे? इतने सालों का सफर कैसा रहा आपका? क्या बोले आपने? इतने सालों का सफर कैसा रहा, बड़े सेलिब्रिटी से लेकर छोटे सेलिब्रिटी अपने? बहुत सुंदर सफर रहा। देखिए भोजपुरी फिल्म अवार्ड जवान हो गया, बेटा बड़ा हो गया, 18 साल का हो गया, अब इससे बड़ी खुशी की बात क्या होता है, है? चलते चलते बिना डगमगाए बिना गिरे और इसके बाद भी 18 साल कंप्लीट कर लिया, तो इससे बड़ा हमारे लिए गौरव और खुशी की बात क्या हो सकता है। उसके लिए मैं सबसे ज़्यादा मीडिया के लोग को धन्यवाद देता हूँ, मीडिया ने जो उस दौर की मीडिया थी और इस दौर की मीडिया, सब लोग ने दिल से साथ दिया। हिंदुस्तान का कोई ऐसा मीडिया नहीं जो ये आधा आधा घंटा 40-40 मिनट ना दिखाया हो, मेरे पास सब रिकॉर्ड है, चाहे आज तक हो, चाहे जी न्यूज हो, चाहे फिल्मी हो, चाहे सारा रहा हो, चाहे इंडिया टीवी हो, चाहे आज के दौर की मीडिया, आप जैसे लोग भाई, सारे लोग ने दिल से और निष्ठा से मेरा साथ दिया है। और इस दौर में मुझे हमारे अवार्ड के डायरेक्टर मिस्टर अरशद खान बड़ा सपोर्ट किए, संजय कुर्वे जी कई वर्षों से कर रहे हैं, कानू जी ने किया, ये तो लोग हम फोन कर देते हैं, पैसे की बात नहीं, कुछ नहीं, लेना नहीं देना नहीं, काम शुरू हो गया, जब उनको आवश्यकता है तब मैं उस चीज़ को पूरा कर देता हूँ। तो जो मेरे पास जुड़ा था आज 10 साल पहले 15 साल पहले, वो आज भी मेरे साथ टेक्निकल टीम काम कर रही है। लगभग कितने फिल्में इस साल कंप्लीट हुई है? 17 करीब फिल्में हैं, उसमें 2 आउट हुई हैं, 15 फिल्में आई हुई हैं, रेस में हैं, उत्तर प्रदेश बिहार और पूरे देश में विदेश में जहाँ यूपी बिहार के लोग भोजपुरी भाषा के लोग रहते हैं, मैं सभी को हाथ जोड़ के ये निवेदन करूँगा कि थिएटर में जाएं, जो हमारे देश का थिएटर है, थिएटर में लोग जाएं, फिल्में देखें, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को सम्मान दें, अधिक से अधिक लोगों तक हमारे कलाकार पहुँचें और उनका इंटरटेनमेंट करें, और उनसे अपेक्षा रखते हैं कि हमारे कलाकारों को भी सम्मान दे और थिएटर तक जरूर पहुंचे। और मेरी शुभकामना है हमारे प्रदेश के लिए, हमारी भाषा के लिए, हमारी कला संस्कृति के लिए, किसी तरह आप लोग की मदद से हम लोग कलाकारों को सम्मान देते रहें और भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देते रहें।